What's up? This is Kajal and welcome back to my channel. तो आप सबकी दिवाली कैसे रही? आई होप अच्छी रही होगी. आपने बहुत सारी मिठाई खाई होगी, मेरी भी मस्त थी. एंड आज का व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं मेरे फैमिली वालों के साथ जा रही हूँ. अरे पटना अलीबाग से आई है क्या? हाँ, आज हम जा रहे हैं अलीबाग. वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, बट मेरे डैडी इज बॉर्न इन मुंबई, ब्रॉट अप इन थाने विच इज़ नियर टू मुंबई. एंड मेरे डैडी इज़ फ्रॉम अलीबाग एंड आई एम प्राउड कि हम अलीबाग से है क्योंकि अलीबाग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. इसको मिनी गोवा भी बोलते हैं. तो ये मेरी मम्मी एंड डैडी वेट कर रहे हैं. तो गाइज, हम जाने वाले हैं मेरी कार से. हाय. तो हम जाने वाले हैं मेरी कार से, मेरी, क्योंकि ये मेरी कार है. मैंने इसे एट द एज ऑफ 19 लिया था. आपको बहुत सारी चीज़ें जो मेरे बारे में पता नहीं, तो मैं धीरे धीरे आप सबको सब बताती रहूँगी. सी यू, बाय. चल अंदर जा, जास्त फूड है अली का. चलना बस. ये भाभी का ना हमेशा का नाटक है, इधर से बैठ उधर से बैठ. मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. पप्पा, दहा महिन्यानंतर मी माझ्या मम्मीला भेटणार. 10 महिने मेरे डैडी में उनकी मम्मी को 10 महीने बाद मिल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से. एंड मैं पता नहीं कितने सालों बाद जा रही हूँ अलीबाग. तू कितने सालों बाद जा रही है? सेम ना. ये नहीं पागल, मैं लास्ट ईयर गई थी. अच्छा, लास्ट ईयर गई थी, लेकिन मैं तो मुझे लगता है आई थिंक 3 इयर्स. थ्री इयर्स के बाद मैं अलीबाग जा रही हूँ. क्या पता मुझे सब याद रहेगा या नहीं. ये बहुत बड़ा वरना वरना सब रिलेटिव आके बोलेंगे, हे काजल पहचाना कि नहीं? अगो के उड़ी होती, के उड़ी मोटी साली, सॉरी सॉली. गाइज, आज हमारा फर्स्ट डिबेट चालू हो गया है घर वालों का, कि आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि अलीबाग की स्पेलिंग क्या है, ALIBAG या फिर ALIBAUG. क्या लगता है आपको, क्या सही है? मैंने गूगल पे डाला, दोनों भी आ रहे, अलीबाग अलीबाग दोनों आ रहे, अलीबाग अलीबाग दोनों आ रहे. बट पता नहीं कौन सी राइट है, मेरे को दोनों भी सही लग रहे. बट सबसे ज्यादा वाली राइट कौन सी है, या कुछ ऐसा नया अपडेट आया है कि ये स्पेलिंग अभी नहीं यूज करनी है, पुराने वाली ये नहीं है, कमेंट में बताओ. तो अभी हम निकल चुके हैं, हम लोगों ने मस्त पेट्रोल भर लिया है और अभी मेरा फेवरेट पार्ट आने वाला है. मुझे कार में सोना बहुत पसंद है गाइस. तो अभी मैंने मेरे जूते निकाल दिए, मैंने मेरे लिए चादर लाई है और ये मेरा पिल्लो अब मैं यहाँ पे सर रख के है. थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस. ये तो मेरे पैर तोड़ देगी. गाइस इसको बोलो यार, कभी कभी अपनी बहन के लिए नहीं थोड़ा कुछ करना चाहिए. मम्मी पण झोपणार तुझे अगर साथ ले. ये शपथ थोड़ी देते हैं. तो अभी हम पहुंच गए हैं पनवेल और ये मेरी बहन पूरी गहरी नींद में चली गई है. इसका ये फेवरेट काम है गाड़ी में चादर पिलो लेके सो जाने का. तो ये पूरा रास्ते भर में सोने वाली है और मुझे आई है जोरो की सुसु. तो अभी हम आगे जाके रुकने वाले हैं. What's up? तो अभी हम लोग थोड़ा पनवेल से आगे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है, बट वो बंद है.
गॉड इज विद मी गाइज, बिकॉज मैं आज फास्ट कर रही हूँ तो मैं एनी में कुछ खा नहीं सकती, तो फिर भगवान ने पर्पजली वो बन रखा ताकि मेरे सामने ये लोग भी ना खा पाए. थैंक यू गॉड. तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं. बाय गाइज. ये वो रहा थम्सअप वाला माउंटेन जो थम्सअप शेप में है. यस. हम पहुंच गए हैं और इतना सब डिफरेंट लग रहा है ना, बस पूछो मत. अरे बाप रे. और मेरे को और एक बात का डर लग रहा है, मैंने इतना मस्त हेयर कलर किया एंड यू ऑल नो हाउ ग्रैंड मदर्स आर, तो पता नहीं मेरी अज्जी क्या बोलेगी. देखते हैं. और हम पहुंच गए, दिस इज माय हाउस. रुको बाहर पहुंच के दिखाते हैं. सो दिस इज आवर हाउस. दैट वन इज आल्सो माय बड़े चाचा का हाउस, द ब्लू वन. ये हमारा. चलिए ऊपर चलते हैं. हम लोग यहाँ बचपन में खेलते थे घर घर. ये मना गई. हाय जी. हाँ हाँ. हलो हलो हलो. हेलो. तो अब हम सबको मिल लिए, सब चाचा को और मेरी अज्जी को, और अब हम जा रहे हैं मेरे घर के टेरेस पे. और ओह माय गॉड, बहुत धूप है. आइए दिखाती हूँ मैं आपको. अरे बाप रे, कितना कुछ बदल गया है. सबके घर सब कुछ चेंज हो गया 3 साल में. आइए मैं दिखाती हूँ आपको. ये पड़े रहा था जब गाइस. यहाँ पे मैं बचपन में इतना खेली हूँ ना, इतना खेली हूँ ना, तुमको क्या बताऊँ. बहुत मज़ा आता था. और यहाँ पे ना कुल्फी का फैक्ट्री था ना कुछ तो. हाँ, वहाँ पे कुल्फी बनती थी और मैं वो खाती थी. और ये तो नहीं था, इतना बड़ा घर था ही नहीं. वो जो भी है वो था ही नहीं, अब बन गया. वाह. मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ. हम शाम को दिन भी नहीं, कुछ घंटे के लिए आए हम लोग यहाँ पे. और फिर शाम को अराउंड 4 or 5 o'clock को हम लोग यहाँ से निकलने वाले. हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकले, तो अभी कितना बजा है? आफ्टरनून होगी, मतलब अराउंड 11:30-12 बज के रहेंगे ना. 11:45. तो अब खाना खाएंगे और फिर मैं जाने वाली हूँ बीच. मैं जब छोटी थी ना, मैं तब बहुत रोती थी कि चलो ना बीच पे जाना है, बीच पे जाना है, बीच पे जाना है. और अब मैं बड़ी हो गई तो आज भी मैं बहुत मेरे डैडी को कन्विंस की बीच पे जाना है, बीच पे जाना है, बीच पे जाना है. तो अभी हम खाना खाएंगे और फिर हम जाएंगे बीच. यू बीच. तो गाइस आज भाई दूज है, तो मेरे कजिन्स मुझे मिल गए, तो अभी हम भाई दूज सेलिब्रेट करने वाले हैं. मैं एक्चुअली भूल गई थी शूट करना, तो मैंने एक के साथ तो भाई दूज कर लिया, अभी दूसरे के साथ है. तो आप देखिएगा. मम्मी मम्मी परत बोलायची. अरे One eternity later. अरे नको आई. सो एज आई टोल्ड यू ऑल, मैं यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए हूँ. तो हम लोग ने भी खाना खा लिया, भाई दूज बना ली. अब हम जा रहे हैं बीच पे घूमने.
गाइस, तो यहाँ पे आज है बैलगाड़ी स्पर्धा, ये देखो। तो ऐसे बहुत सारे अभी देखने मिलेंगे रोड पे। मैंने तो 10-20 देख लिए, कैप्चर अभी एक ही हुआ कैमरा में। हाय गाइस, तो अब हम बीच पे आ गए हैं, अभी हम हैं मांडवा बीच पे। और मैं इतनी बुद्धू हूँ ना गाइस, इतनी बुद्धू हूँ ना। आज भाई दूज था तो मैंने मेरे लिए कुर्ता लेकर आई थी, लेकिन कुर्ते के नीचे का मैं लाना भूल गई। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, जीन्स पे कुर्ता पहन लेना। मैंने ना ठीक है। फिर मुझे याद आया कि मैंने जो नॉर्मल फुटवेयर रहता है वो भी नहीं लाया। देखो तो मैंने क्या पहना है। और अभी यू आर स्मार्ट। और अभी ये बीच पे मैं ऐसे मेरे वाइट शूज, वाइट कलर दिखाया ना, मैंने स्पेशली मेरे डैडी को बोला कि बीच पे कुछ भी हो जाए जाना है, क्योंकि यहाँ पे अलग ही फील है, यहाँ की हवा में भी अलग फील है। मुंबई के बीचेस पे अगर आप कभी गए हो तो इतनी गर्दी रहती है, इतनी भीड़ होती है, एंड कचरा इज़ वन अनदर थिंग। एंड ओवर हियर मुझे दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है और कोई कचरा भी नहीं दिख रहा है। इट इज़ सो नाइस। मैं आपको यहाँ पानी दिखाती हूँ, इतना क्रिस्टल क्लियर है, ये देखो। So nice, wow. Guys, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ऊपर और वो पानी से नारियल पानी, हाँ नारियल पानी पीना है मुझे। और मैं मेरा चश्मा उतार के मेरी मम्मी के पास दे दिया, मेरी मम्मी वहाँ पे है और मुझे कुछ नहीं ज़्यादा दिख रहा है। पानी, पानी आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बट पावर है, विदाउट चश्मा मुझे कुछ ज़्यादा दिखता नहीं ठीक से। अब यहाँ से उतरते हैं। पकड़ा था मैं, एज यू ऑल नो आई एम फास्टिंग। मैं मंडे को फास्ट करती हूँ एंड आई ओनली ईट फ्रूट्स। तो अब मुझे ना थोड़ा सा फ्रूट खाना है। मैंने कुछ खाया नहीं था सुबह से, यही सोच के कि मैं यहाँ बीच पे आके नारियल पानी पीऊँगी। और यहाँ का एक फ्रूट है जिसको हम मराठी में बोलते हैं टाटगोए, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अभी जस्ट सीखा कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइस एप्पल। हाउ कूल यार, नाम सुन के मुँह में पानी आ रहा है। एप्पल मुझे पसंद है, लेकिन आइस एप्पल आई लव इट। सो देखेंगे यहाँ कहीं आइस एप्पल मिलता है क्या। एट द बिगिनिंग जो हमारी कन्फ्यूजन थी कि अलीबाग की राइट स्पेलिंग क्या है, वो अभी क्लियर हो गई है। हैश टैग अलीबाग, ALIBAG, इट्स BAG नॉट BAUG। मे बी वो भी करेक्ट होगी, बट आई गेस दिस इज ज़्यादा करेक्ट वाली। हाँ हाँ गाइज, ये बीच वीच वाला हम लोग का सब कुछ हो गया। अब ऐसा सीन है कि मुझे यहाँ पे नारियल पानी मिला ही नहीं। ऐसा कौन सा बीच है यार जहाँ पे नारियल पानी नहीं मिलता। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि यहीं से फिर कीम बीच भी नज़दीक है, रुको मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। या तो मेरे घर से कीम बीच तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ पे चलने के लिए बोल रहे हैं। बट फिर एज आई टोल्ड यू ऑल कि मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आई हूँ, थोड़े घंटे के लिए आई हूँ, तो अब घर पे भी निकलना है वरना रात को फिर बहुत ट्रैफिक वैफिक का सीन हो जाएगा। तो अब जाना पड़ेगा। अलीबाग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे दिखाने लायक बहुत कुछ है, जो आप लोगों ने अभी देखा ना, इट्स लाइक 1% ऑफ इट। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आऊँगी ना, तो मेक श्योर कि मैं लंबा ट्रिप, एक हफ्ते का ट्रिप प्लान करके यहाँ पे आऊँ और मैं आप सबको पूरा अलीबाग दिखाऊँ। चलो अभी फिलहाल घर पे चलते मेरे, फिर वहाँ से मेरे घर चलते। थक गई मैं, हाँ भूख लगी, प्यास लगी है, बहुत थक गई मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। वैसे तो मैं मैनेज कर लेती हूँ हर फास्ट को, बट आज कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब थी कि कुछ नहीं खाया था। और अब हम लोग का टाइम आ गया है जाने का। अंदर बहुत भसड़े सारे रिलेटिव्स है, अभी मैं घर के बाहर आके आप सबसे बात करती हूँ। बाय बाय बाय, मेरे तो बाय बाय बोलना। मम्मी आए, योगिता की बाय, अजी बाय बोल, बाय बाय बोलो।
बाय बाय बाबा अरे आला बाय अजून कोण राहिले बाय मोहित दादा बाय बाय आत्या बाय ओके गाइस तो अब हम हमारे घर जा रहे हैं बहुत कम टाइम के लिए थे लेकिन बहुत मज़ा किया हम लोग ने बहुत अच्छा लगा हमारे रिलेटिव्स को मिलके मेरे कजिन्स को मिलके सब कितना चीज़ चेंज हो गया है यहाँ पे एंड फिर से आऊँगी मैं यहाँ पे और पूरा अलीबाग आपको मैं दिखाऊँगी एंड फुर्सत में आराम से अच्छे से विद ऑल डिटेल्स अब हम कार में बैठ गए हैं अभी कितने बजे हैं 5:15 ओह गॉड हमारा प्लान था कि 4 बजे तक निकलना है लेकिन अभी 5:15 को बैठ रहे हैं आई थिंक 3 आवर्स में पहुँचना पापा 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे बॉम्बे थाने तो कितने किलोमीटर है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी देखते कितने बजे पहुँचते हैं एंड आई थिंक मैं मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे सोना है क्योंकि मैंने आपको सबको बताया था कि मेरा फास्ट था और मैं कुछ भी नहीं खाया था मुझे नारियल पानी पीना था जो मैं नहीं पी पाई तो अभी मेरी हालत ख़राब है क्योंकि हम वहाँ बीच पे इतनी कड़क धूप में थे तो थोड़ा एनर्जी ड्रेन हो गया तो अभी मैं सोना चाहती हूँ तो सी यू गाइस एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अरे रुको मेरे पापा बोले थे मेरे को तो तूने लिया ही नहीं व्लॉग में अरे तुम ही लोग का बगुई थे मम्मी देखो पापा इधर का वो हाय गाइस बोलो मेरी बेटी अच्छी है उसको फॉलो करो मेरी बेटी अच्छी है उसको फॉलो करो हां अभी ड्राइविंग पे ध्यान दो गाइस बड़ों की बात सुननी चाहिए तो मेरे डैडी ने कहा मुझे फॉलो कीजिए मतलब सब्सक्राइब कीजिए तो करना पड़ेगा गाइस बड़ों की बात माननी पड़ेगी बाय